Hi friends, good morning. Good morning everyone. Namaskar dosto, main Paal B. Vasnayat, Tianz International aur International Diamonds Network System ki taraf se aap sabhi ka aaj ke special program mein bahut bahut swagat karta hoon. Most welcome. Dosto, jaise ki aap jante hain aaj ke poster se, Hindustan mein Tianz International pichle 22 saal se business kar rahi hai. और Tianz ऑलरेडी 28 साल पुरानी कंपनी दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी दे रही है. और ठीक 20 साल पहले मुझे जुड़ने का मौका मिला Tianz के साथ और पिछले 20 साल के अनुभव को साझा करने के लिए हमने आईडी नेट सिस्टम बनाया है. और इस आईडी नेट सिस्टम में हर रोज शाम को 9 बजे हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स यहाँ आकर अपने एक्सपीरियंस अपनी सक्सेस की स्टोरीज और बहुत सारे गाइडेंस हम सबको साझा करते हैं ताकि हम सब लोग भी इस काम को करके कामयाब हो सकें. तो इसी कड़ी में इसी सिलसिले में आज की हमारे बीच में वीआईपी गेस्ट स्पीकर हैं एक ऐसी गृहिणी जिन्होंने एज ए गृहिणी Tianz को शुरू किया और पिछले कुछ सालों में उन्होंने गुजरात में एक मिसाल बन के दिखाया अपनी टीम को और आज पूरे हिंदुस्तान में Tianz इंटरनेशनल के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स हैं उनसे वो इंस्पायर्ड होते हैं. तो एक बहुत ही सराहनीय काम करने के बाद एक शानदार उपलब्धि के बाद आज हमारे बीच में है गोल्ड लाइन जो कि हम सबका सपना होता है गोल्ड लाइन बनना. तो वो एक गृहिणी से गोल्ड लाइन कैसे बनी और आज एक शानदार लाइफस्टाइल इस बिजनेस से वो कैसे जी रही हैं ये बताने के लिए हमारे बीच में है गुजरात की शेरनी गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट लीडर कोई और नहीं गोल्ड लाइन सोनल पटेल जी. और हम सब लोग आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे. तो मैं जरूर चाहूंगा हम सब लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. प्लीज हेल्प मी वेलकम अवर ग्रेट लीडर नन अदर देन सोनल पटेल जी ऑल द वे फ्रॉम गुजरात सूरत गोल्ड लाइन ओवर टू यू वेलकम हाउ इज द जोश Tianz से पहले Tianz के बाद और फ्यूचर ऑफ Tianz के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जरूर हम सुनना चाहेंगे और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है आज का ये. ओवर टू यू सोनल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड मॉर्निंग सर. सुपर वेलकम. गुड मॉर्निंग जितने भी पैनल में लोग हैं और सर आपने तो बहुत मुझे तारीफ मेरी तारीफ इतनी सारी कर दी आपने. आप डिजर्व करते हैं यू डिजर्व आपको आप तारीफ के काबिल हैं और हम सब लोग रियली प्राउड फील करते हैं आप पर. एंड ऐसे ही आप अपने काम से अपनी टीम का और सभी का मनोबल बढ़ाएं आगे ले जाएं ये आपके लिए शुभकामनाएं जी. थैंक यू सो मच सर. आज मुझे ये मौका मिला है आपकी हमारी जो पैनल है आईडी नेट पैनल पे मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का. मेरी स्टोरी से शायद बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए और सर आपको दिल से थैंक यू सो मच क्योंकि आप ही की वजह से आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं. बिफोर Tianz की मैं बात करूं मेरा नाम पटेल सोनल है. मैं बेसिकली सूरत गुजरात से हूं और 5 साल पहले की मैं बात करूं तो एक सिंपल मैं हाउसवाइफ थी. उसके पहले की मैं बात करूं तो हम जब छोटे थे मम्मी पापा के घर तब हमारा कुछ ना कुछ सपना होता है. पढ़ाई करते हैं पढ़ाई इसलिए करते हैं कि ब्राइट फ्यूचर हो. पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चले शादी हो गई. मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं. जब हम छोटे थे तब मिडिल क्लास फैमिली से थे. फिर मेरी जब मैं 19 साल की हुई 19 साल 20 साल के बीच में मैंने शादी कर ली. 2006 में मैंने शादी की.
मैंने जहाँ शादी की वो भी मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली था। बताते हुए खुशी हो रही है क्योंकि मैंने शादी की थी वो मेरी लव मैरिज थी, बहुत प्यारे मेरे हस्बैंड हैं। 2006 में मैंने शादी की, 2008 में मैंने एक बहुत प्यारे बच्चे को जन्म दिया, उनका नाम माहिर है। अभी जैसे घर में बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारी क्राइसिस बाद में आते रहे। अच्छा था फैमिली, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो कुछ ना कुछ कमी की वजह से थोड़ी मुझे अर्निंग की जरूरत रही। मेरे पास दो तीन ऑप्शन थे, चाहे तो मैं एक जॉब कर सकती थी, घर पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकती थी, और कुछ ना करती तो लाइफ तो वैसे ही गुजर रही थी। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, नेटवर्क मार्केटिंग, अपने आप को खुद को मैं कहती हूँ कि मैं खूब धन्यवाद हूँ क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला, क्योंकि यहाँ जो मिल सकता है ना वो कहीं पे नहीं मिल सकता। वो रियलाइज हुआ जब मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ये टियांस मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले बहुत कुछ क्राइसिस थे, वैसे सबके घर में होता है, लेकिन हम सबको पूछते हैं तो अभी बोलते हैं कि हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो दुखती नस है, वो जो पेनफुल नव है, वो है पैसा। आज सबको पैसे की जरूरत है, तो 5 साल पहले मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था मुझे, कुछ 5,000 की जरूरत थी, और उस 5,000 से मैं अपना जो साइड जो खर्चा बोलते हैं ना, घर चलता है उसके बाद भी थोड़े हमारे खर्चे होते हैं, तो उस खर्चे की वजह से मुझे ज्यादा नहीं 5,000 चाहिए थे। उस 5,000 की जरूरत में मैंने पहले सोचा कि मैं एक जॉब कर लूं, तो जॉब तो बहुत सारी थी, लेकिन टाइम कुछ ऐसा था, बेटा भी छोटा था, तो उस वजह से मैंने जॉब में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहा, क्योंकि जॉब थी 6 कलाक, 7 कलाक, 8 कलाक, 9 कलाक की। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही कुछ करूंगी। तब मुझे एक हमारी जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टियांस मिली। टियांस में मुझे हमारे जो मेरे अपलाइन है जिग्नेश सर, उन्होंने मुझे टियांस बताया, उसमें मुझे एक सैनिटरी पैड बताया। तो अभी मेरे पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन ये ऑप्शन को मैंने चूज इसीलिए किया क्योंकि जो पैड का मुझे डेमो दिखाया ना, वो पैड अमेजिंग प्रोडक्ट था। और फिर मैंने सोचा कि इसकी जरूरत तो हर घर को है, तो उसमें मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया, जिग्नेश भाई से बहुत सारा गाइडेंस लिया, एनके सर के डेमोस देखे, उस डेमो को मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि मेरे अपलाइन जेंट्स थे, उनको मैं कहीं पे भी लेके नहीं जा सकती थी, तो मैंने खुद अपने आप को तैयार किया। एवरी डे मैंने अपने टाइम को मैनेज करते करते एक या दो डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। तो जब मैं डेमो देने जाती थी तो लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता था, लोग प्रोडक्ट बाय करते थे, तो जो मुझे डेली की जो इनकम थी ना वो स्टार्ट हो गई, तो मैं बहुत खुश हो गई, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने लगा। और जो मुझे 5,000 की जरूरत थी ना, वो तो मैंने यहाँ से एक हफ्ते में कमा लिया। फिर मैंने लोगों को इस कंपनी में जोड़ना स्टार्ट किया, जोड़ते जोड़ते मैं इस कंपनी में 7-star लेवल पे आ गई। जब मैंने 7-star क्लोज किया तो मुझे कंपनी की एक बहुत अच्छी टूर मिली, बल्कि वो मेरा सपना नहीं था, मेरा सपना था 5,000 rupees, लेकिन कंपनी की प्लेटफॉर्म पे ये भी था कि एक फॉरेन टूर मिला। लेकिन जब मेरे पास ये फॉरेन टूर आया ना, तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो पहले तो पासपोर्ट अप्लाई किया, जब पासपोर्ट अप्लाई किया तो पासपोर्ट पहले हस्बैंड का आ गया, तो हस्बैंड गए, बाली इंडोनेशिया का टूर था। मैं अपने आप को खूब प्राउड मानती हूँ कि आज मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को मैं गिफ्ट कर दी टूर का। फिर काम करते रहे, आगे बढ़े, तो सेकेंड टूर आ गया श्रीलंका। श्रीलंका मैंने 2 टिकट से
कंप्लीट किया था। मैं और मेरा सन हम दोनों घूमने गए थे। उसके बाद सिंगापुर मलेशिया का टूर आया, तब तक मैं एट स्टार बन चुकी थी। जब ये टूर का मैंने कंप्लीट किया, जब मैं एट स्टार बनी ना, तब बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब तब हमारा रिकग्नाइज हो रहा था, तो मुझे लगा वो पूरा प्रोग्राम मेरा ही है, क्योंकि पहले मुझे बुलाया गया क्रू जो टूर था उसके रिकग्नाइज के लिए, तो पहले स्टेज पे गई, वापस एट स्टार का हुआ तो वापस मैं स्टेज पे गई, वापस जो गिफ्ट मिला एट स्टार बनने के बाद, तो पिन का पिन सेरेमनी हुआ और जो गिफ्ट मिला, तो मैं 5 से 6 बार मुझे स्टेज पे बुलाया गया, तो मुझे लगा कि मेरा ही प्रोग्राम है और बहुत अमेजिंग मेरी फीलिंग थी एट स्टार। एट स्टार के बाद मैंने देखा कि एट स्टार के बाद के रैंक हैं जो रॉयल्टी के होते हैं, तो मैंने यहाँ से अपना रॉयल्टी, नेक्स्ट मेरा लेवल रॉयल्टी क्लोज करने का मैंने गोल सेट किया। जब रॉयल्टी का फर्स्ट रैंक मैंने चेंज किया, जब वो रैंक मैंने क्लोज किया, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, जब मेरी शादी हुई ना, तब मेरा बैंक अकाउंट नहीं था। जैसे ही शादी हुई, हस्बैंड ने एक बैंक अकाउंट खुलवा के दिया बैंक में, और वो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ पैसे देते थे डिपॉजिट करवाने के लिए, तो मैं डेली डिपॉजिट के लिए जाती थी, और हफ्ते में एक बार वो मुझे ये भी बोलते थे कि आप वहां से निकाल के आओ पैसे, तो वो मुझे सिखा रहे थे कि बैंक में कैसे हम का वो बैंक का कैसे सेटअप होता है वो, तो बहुत अच्छा था, मुझे एक अकाउंट खुलवा के दिया, मेरा खुद के नाम का एक अकाउंट था। लेकिन मुझे वो अकाउंट का अहमियत तब पता चला जब मैंने 2019-20 में दिसंबर में जब मैंने ब्रॉन्ज लाइन क्लोज किया। ब्रॉन्ज लाइन से पहले की बात करूं, टीएंस में आने के बाद पैसे तो आने लगे थे अकाउंट में, लेकिन कभी भी पहले मेरे अकाउंट में टीएंस से पहले 15 से 20 हजार मैक्सिमम 25 हजार मैंने देखे थे साथ में। टीएंस में आने के बाद मैंने 5 डिजिट 6 डिजिट में देखे थे, लेकिन जब मैंने 19-20 में जब ब्रॉन्ज लाइन क्लोज किया, तब मेरे अकाउंट में मैंने एक साथ 5.5 लाख रुपए देखे। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हस्बैंड ने एक अकाउंट खुलवा के दिया है और उसमें मैंने 6 डिजिट का अमाउंट देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी एट स्टार की फीलिंग थी। उसके बाद रॉयल्टी, तो मैंने फर्स्ट रॉयल्टी अचीव की। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद तो ऐसा ही लगता था कि अब हम शायद, पहले तो लॉकडाउन हुआ तो सब थम गया, लगा कि अब काम कैसे करेंगे। लेकिन पाल सर, मैं आपको शुक्रिया करूंगी कि आपने ये जूम पैनल स्टार्ट किया, उसकी वजह से आज हम उस मीटिंग के साथ जुड़े रहे, आपके साथ जुड़े रहे, तो उसी की वजह से मैंने कोरोना काल में अपना सिल्वर लाइन और सिल्वर लाइन क्लोज किया। तब भी सिल्वर लाइन का क्लोज किया, तब भी हमें कंपनी से मैंने अपने अकाउंट में एक साथ 8.5 लाख रुपए देखे, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। कंपनी से कार रिवॉर्ड अभी आया था। फिर कोरोना काल में ही मैंने गोल्ड लाइन क्लोज किया और गोल्ड लाइन पे बहुत बढ़िया रॉयल्टी आती है अकाउंट में, हर बार पैसे आते हैं, हर 30 तारीख को, 15 तारीख को, 10 तारीख को, तो एक सर लग्जरी लाइफस्टाइल और बहुत मजा आता है। मैं अपनी ये जर्नी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है ये कहने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को हर वक्त धन्यवाद करती हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया ये काम करने का। अगर मैं ये कुछ नहीं करती तो मेरी लाइफस्टाइल कैसी होती, मुझे अभी उसको सोच के कुछ अजीब लगता है। लेकिन ये डिसीजन लिया, अभी एकदम मेंटली फ्री, बहुत अच्छी मेरी टीम है। ये सब अचीव करने पे मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल है सर। अभी मेरी टीम में बहुत अच्छा काम हो रहा है और इस मीटिंग का बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, लगातार क्लोजिंग आ रही है सर। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। पहले मेरे लिए ऑल टाइम मनी मेरे हस्बैंड थे, अभी मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए ऑल टाइम मनी एटीएम मशीन मैं हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और
अभी यहाँ से सर बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत सारे लीडर्स हैं मेरे साथ। अभी रिसेंटली हमारे मधु मैडम हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज लाइन कंप्लीट किया है। मेरे साथ चाइना टूर, अभी हमने चाइना टूर अचीव किया है। हम लोग इंडोनेशिया गए थे साथ में, बहुत अच्छा फीलिंग था। हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था साढ़े शायद 15,000 लोगों के बीच में। वहां मेरे टीम से मेरे मधु मैडम भी साथ में थे। अभी दुबई जाएंगे, चाइना भी क्वालिफाई है। मेरी टीम से 4 लोग हैं, एक दक्षा मैडम है, मधु मैडम है, मेरा भाई है हरीश भाई, और मैं खुद हूँ। हम सब लोग चाइना जाएंगे। तो टियांस की जो जर्नी थी ना, वो सर बहुत अच्छी थी, और मैं अपने आप को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया। और ये और मैं अभी बताना चाहूंगी टियांस के बारे में। तो अभी सर यहाँ बहुत फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मेरे जैसी एक लड़की थी जिनके कुछ सपने नहीं थे, लेकिन टियांस प्लेटफॉर्म ने एक सपने जगाए। यहाँ से बहुत कुछ मुझे मिला है। मैं चाहती हूँ मेरे टीम के हर एक व्यक्ति को ये सारी चीजें मिले। अभी मैं चाहती हूँ मेरा जो फ्यूचर है टियांस के लिए, तो मेरा फ्यूचर ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक देश के पूरे इलाके में मेरा बिजनेस हो। जितने भी बीबीएस होते हैं उसमें हम सब जाए, मेरी टीम के साथ हम सब वहां बैठे, और यहाँ हम सब एक सबमिशन में रहें, एक यूनिटी में हम काम करें। और आपका जो पैनल है आईडीनेट पैनल, जो मिलेनियर बनाता है, उसके साथ हम कनेक्ट होके आगे बढ़े। तो ये जो मेरी स्टोरी थी, ये एक सिंपल हाउसवाइफ थी। अभी मैं बिजनेस वीमेन हूँ, एक फ्रेंचाइजी रन करती हूँ, और बहुत सारी मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो जिनके लिए मैं एक रोल मॉडल हूँ, जो आज मैं सर बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है। अभी महीने के इतने रुपए आते हैं सर कि अभी 1-2 लाख की मुझे चीज लेनी हो ना, तो मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तो ये लाइफस्टाइल मुझे टियांस ने दिया है। टियांस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। टियांस का प्लेटफॉर्म एकदम जबरदस्त है, खास करके हम हाउसवाइफ के लिए। कंपनी इतनी बड़ी है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जब इस कंपनी में मैं जुड़ी थी ना, तब मुझे बताया गया था कि हमारा हेडक्वार्टर्स बहुत बड़ा है, तो तब से मेरा एक ड्रीम था कि मैं हेडक्वार्टर देखूंगी। लेकिन जब चाइना टूर आया तो ऑलरेडी मैं 8-स्टार थी, और वो टूर 7-स्टार के लिए था, तो वो मैं नहीं कर पाई। अभी नेक्स्ट चाइना आया था तो मेरा ड्रीम्स कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से जो मैंने चाहा था कि मैं एक हमारा हेडक्वार्टर्स देखूंगी, तो बहुत जल्दी मैं हेडक्वार्टर्स देखूंगी। यहाँ से टोटल मैंने 14 इंटरनेशनल टूर किए हैं, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप को, क्योंकि आज फ्लाइट में बैठने का सबका सपना होता है। जैसे कि मेरे अपलाइन है, अपलाइन में आते हैं शेखर सर, उनको मैंने सुना था, तो वो बता रहे थे कि उसको घूमने का बहुत शौक था। तो उनको जब पता चला कि इस कंपनी से फ्लाइट में घूम सकते हैं, तो उन्होंने वो फ्लाइट में बैठने के लिए ये कंपनी ज्वाइन की। तो जब मैं उसकी स्टोरी सुनती हूँ, तो सिर्फ फ्लाइट में बैठने के लिए उसने कंपनी स्टार्ट की। अभी हर बार वो फ्लाइट में बैठते हैं, वो हमारे अपलाइन में आते हैं, बहुत यंग है, और उससे हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उसका उसका जो एक एक वर्ड है ना, वो बहुत दिल को टच करता है। तो यहाँ इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड घूमने हैं। मैं टियांस से एक प्यारा सा घर लेना चाहती हूँ, और कार तो है हस्बैंड के पास, कंपनी से 3 बार मुझे कार रिवर्ड भी आ चुका है, तो अपनी एक लग्जरी कार लूंगी। फिर मेरा और एक सपना है, एक तो घर तो है ही मेरा सपना, लेकिन एक और सपना ये है कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ उनका भी मैं 1 लाख से ज्यादा का पे आउट एवरी मंथ बने। तो ये मेरा नेक्स्ट गोल है, और हम सब सर आपसे वादा करते हैं कि आपका जो वो हमारा जो पैनल है ना,
उसमें हम डेली सबमिशन में रहेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ हम यहाँ से अर्न करेंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। पहले तो मैं अपना धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड का। जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो मैंने तो डिसीजन लिया था क्योंकि मुझे करना था, लेकिन हाउसवाइफ थी तो हस्बैंड, एक शादीशुदा थी तो हस्बैंड को भी पूछना पड़ता है कि ये काम करूं कि ना करूं। तो हस्बैंड ने तब यस बोला तो मैं उसका धन्यवाद करूंगी। और ये कंपनी में काम करने के लिए पहले तो मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे। मैंने काम स्टार्ट किया, जब काम स्टार्ट किया पहले तो मैं सूरत में ही करती थी, फिर मैंने फील्ड स्टार्ट किया तो हस्बैंड के सपोर्ट बहुत था, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो पूरे घर का, बच्चों का, तो वो सब मुझे सपोर्ट करते थे। तो मैं उसका दिल से धन्यवाद करूंगी। फिर मेरे बेटे का, क्योंकि अभी बेटे को छोड़ के काम करना तो रोना भी तो आता था, लेकिन पता चला कि हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको ब्राइट एक एजुकेशन देना चाहती थी अपने बेटे को, क्योंकि अभी एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। तो मुझे पता था कि एजुकेशन के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो उसका अच्छा से एजुकेशन हो, उसकी लाइफ अच्छी हो उसके लिए, क्योंकि मिडिल क्लास से अभी अपर के क्लास में जाना था, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपनी टीम का, जो हर एक वक्त पे मेरे साथ थे, जिन्होंने मैडम आते हैं, दक्षा मैडम, सोनाली मैडम, फिर हमारी टीम में नीता मैडम है, हंसा मैडम है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन उनका बहुत ज्यादा रोल रहा है मेरे ये अचीवमेंट में, तो उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं धन्यवाद करूंगी जिग्नेश सर का, उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि मुझे जब ये कंपनी मिली तो इतनी अकल दी कि मैं ये कंपनी को स्टार्ट करूं। फिर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड, तो उसी प्रोडक्ट से मैं सक्सेस हुई हूँ, मैं उसका भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज लाखों महिलाओं के गायनेक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, तो ये सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है हमारा। फिर मैं धन्यवाद करूंगी सर हमारे जो पैनल में जितने भी लोग हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, खास करके विनीता राज मैडम है, फिर हमारे योगराज सर हैं, फिर हमारे शेखर सर हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं, हाँ, सबको, सबसे हम कुछ ना कुछ सीखे हैं। अभी दो दिन पहले की बात है, विनीता राज मैडम की मीटिंग सुन के हमारे जो टीम के जया मैडम है, उसने मुझे मैसेज किया कि मैम वो 500 किलोमीटर दूर जाके काम करते हैं, तो मैं अपने घर से 140 किलोमीटर नहीं जा सकती। तो मैम थैंक यू सो मच कि आपकी स्टोरी सुन के हमारे जया मैम को रियलाइज हुआ और वो 140 किलोमीटर गए थे दूर वर्क करने के लिए। तो अभी आज क्या है, एक दूसरे को सुन के, एक दूसरे को सीख के हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो सबके जो पैनल में जितने भी लोग हैं उसका सबका दिल से धन्यवाद। फिर धन्यवाद शेखर सर का कि जो हमारे स्पॉन्सर में आते हैं और सूरत में हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं और उसका बहुत इजी वर्ड होता है, तो उसका भी दिल से धन्यवाद। और पाल सर का तो बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि जब ये कोरोना आया ना तब लगता था कि अब हम कैसे करेंगे, पाल सर हमसे बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पहले हर 3 महीने में 4 महीने में आते थे सूरत, लेकिन पाल सर अभी कोरोना काल की वजह से सब कुछ बंद हो चुका है, तो अब क्या करेंगे। तो आपने जो जूम पैलन स्टार्ट किया, फिर आप हमसे जो बात करते थे, आप हर 2-3 दिन, 3 दिन में 4 दिन में हमें जो सिखाते थे फोन करके, स्पेशल इतनी डेप्थ में जाके, क्योंकि पाल सर और हमारे बीच में शायद कम से कम 50-60 लोग तो हो गए, तो आज वो देखो वो ऐसा नहीं सोचते कि इतने नीचे जाके मुझे बात करनी है, तो एवरी 3 डे या 4 डे में वो हमें तब भी हमारे साथ बात करते थे
और सर उसी का ही नतीजा है, आपने बात करके हमें टिकाए रखा, एक मोटिवेशन दिया। हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते थे तो, और सबसे बड़ा तो ये हुआ कि ये जूम पैनल स्टार्ट हो गया, तो जब डीमोटिवेट होते थे तो आपको ही सुन लेते थे। हर रोज आपको देख सकते हैं, इस जूम पैनल का बहुत अच्छा फायदा रहा है और आईडीनेट सिस्टम से हम बहुत कुछ सीखे हैं सर। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगी पाल सर आपका, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे अचीवमेंट में। तो हर एक व्यक्ति का रोल है, भगवान का, आपका, मेरी टीम का, सबका। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, मैं कुछ नहीं थी और मुझे खास बना करने के लिए ये टियांस प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया। मैं अपने आप को खूब धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच। चेयरमैन सर को भूल गए, हाँ वो याद करो, चेयरमैन सर ने ये कंपनी बनाई तो मुझे याद है कि आपको सब बोलते हो कभी कभी, इतना कुछ बोल दिया अभी तक आपने तो शायद मिस हो गया। हमारे जो चेयरमैन सर हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन चाइना, उसका मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया हम सब के लिए, तो पहले तो उनको ही धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने कंपनी नहीं बनाई होती तो हम कहाँ होते सर। आप और हम सब ली जूनियन सर के इतने आभारी हैं सर। पिछले जन्म में कुछ होगा हमारे बीच का नाता, ठीक है, ली जूनियन सर आपका और इतने लोगों का जो इस जन्म में हम सबको मिलाया, और सर पूरी लाइफ हमारी चेंज कर दी और बहुत अच्छी लाइफ है अभी तो सर, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप अभी आपने जो वीडियो दिखाई ना सर, ऐसे ही घूमना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तभी तो मैं दिखाता हूँ। लोग सोचते हैं ना कभी कभी सर अपने दिखाते रहते हैं, अरे मैं अपने लिए नहीं दिखाता, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा करो, अपनी फैमिली के साथ में मजे लो, एंजॉय करो, अचीवमेंट लो। तो मेरा पर्पस सिर्फ यही होता है और मुझे अच्छा लगता है कि आप सब लोग इसको लेते भी ऐसे ही है। आपका जो प्यार इतना हमें मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट करते हो आप इतना ज्यादा, तो वाकई में हमारा तो और मन करता है आपके साथ और काम करें दिल से और आपके साथ जितना हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा माहौल बनाया है सोनल जी आपने अपनी टीम में, और जो आज आपने बातें की ना, दिल से निकली हुई बातें थी। और मैं जानता हूं कि एक लिमिटेड टाइम होता है तो उसके चक्कर में बहुत कुछ कभी कभी एक होता है कि कितना बोलूं ना बोलूं, बट जितना आपने बोला बहुत शानदार बोला। और रियली एक गोल्ड लाइन की क्या वैल्यू होती है ना, वो आपने दिखाई है अपने दम पर। मैं कह सकता हूँ ठीक है आपका ये बड़प्पन है, हम सबका नाम रहते हो आप, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप भी उन लीडरों में आते हो जिसने अपने दम पे ना गेम जीती है। अपने दम पे आप गोल्ड लाइन बने हो, ठीक है अपलाइन डाउनलाइन के बिना अकेला कोई कर नहीं सकता है, लेकिन जो सच यही है कि हम सब तो एक नाम है। सच बात यह है कि आपने करके दिखाया है, अपने दम पर अकेले के दम पे करके दिखा सकते हो। ऐसा एग्जाम्पल हमारे बीच में बहुत सारे लीडरों ने, बहुत सारी हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जितनी भी हमारी फीमेल लीडर्स हैं, आपने करके दिखाया है। जिसे वनिता राजी भी बोलती हैं, वो चाहे थैंक यू हमें करें, योगराज जी को करें, लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने टीम में जाके काम किया है, डेप्थ में काम किया है, जो हम बोलते हैं उसको सुना है, चाहे कई चीजें नहीं भी समझ आई है तब भी किया है। तो आपने भी ऐसी कुछ किया और सल्यूट है आपके लिए, आपके जज्बे के लिए। और ये बात है कि एक दो बातें हम आपसे और करना चाहेंगे, एक मैसेज तो ये हम चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई मेरी तो जान पहचान नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है और मुझे कुछ आता ही नहीं है, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे से होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इस तरह के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? ओवर टू यू, 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 ओवर टू यू। दो चार करती, पैसे नहीं है और नहीं होता उसका मतलब कुछ नहीं होता सर, करने से बहुत कुछ होता है। हम निकलेंगे फील्ड में जाएंगे सर तो काम तो होता ही, कुछ ना कुछ होता है। जैसे हम जाते थे फील्ड में सर तो डेमो देते थे, तो पहले लोग सामान लेते थे, सामान लेने के बाद बार बार वो सामान चाहिए था
तो हमसे जुड़ते भी थे, तो काम तो होता ही है सर फील्ड में जाके, क्योंकि ये एक बेस्ट कंपनी है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिसकी वजह से लोग जुड़ते भी है और काम भी होता है सर। लेकिन काम नहीं होने की वजह एक ही है, वो खुद है सर, वो खुद है सर। तो जो लोग क्या टाइम नहीं है, पैसा नहीं है सर, तो फिर उन लोगों को तो मैं यही कहूंगी, अगर टाइम नहीं है, किनके पास टाइम नहीं होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते ना सर, उसके पास ही टाइम नहीं होता है। लेकिन जिसके पास, देखो आज हमारे पास पैसा है तो हमारे पास टाइम टाइम ही है, तो जिनके पास टाइम नहीं है ना, उसको तो अच्छे से ये बिजनेस करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करो। और देखो आप कहीं जॉब करोगे तो वही आपको 6-7 घंटा तो काम करना ही है, तो यहाँ आपको पार्ट टाइम करना है। तो हमने जैसे यहाँ से पार्ट टाइम काम करके भी यहाँ सक्सेस हासिल की है, तो उससे बड़ा एग्जांपल तो कुछ नहीं है। जिनके पास सर टाइम नहीं है ना, उसके पास पैसे भी नहीं होते सर, और जिनके पास टाइम है उनके पास पैसे है। देखो आप आज आप हो तो आप फ्रीली घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? आज मैं हूँ तो मैं भी मेंटली फ्री हूँ, और अभी मेरे पास टाइम टाइम ही है। एक दो क्वेश्चन आपके शेखर जी करने वाले हैं। सुपर्ब सोनल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल है कि जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें आपने बताई, तो ये तो सच है। बट एज अ फीमेल मैं कहता हूँ बहुत सारे चैलेंज होते हैं फीमेल होने के, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी दुविधा होती है कि बच्चों को पढ़ाना, हस्बैंड का घर पे घर भी देखना है, फिर डेमो भी करना है, मीटिंग भी करनी है, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को कि कैसे वो बैलेंस करें, कैसे? क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं फीमेल्स कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सोनल जी? जी सर, मैं अपनी बात करूंगी सर, क्योंकि जब मेरे पास ये चैलेंज आया ना, तो पहले तो घर में हस्बैंड के अलावा कोई एग्री नहीं था ये काम करने के लिए, क्योंकि इसमें ये लोग बोलते हैं कि बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके डेमो देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नौकरी करते हैं ना तो उसको तो सब बाहर भेजते हैं, लेकिन ऐसा काम करते हैं ना तो सब लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। तो मुझे तो सब अपने हस्बैंड का देखना था, और हस्बैंड से मैंने एक कमिटमेंट लिया कि मुझे आप 2-3 महीने का टाइम दो, अगर मैं कुछ कर पाती हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाती तो आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट किया, जैसे कि घर का काम, तो घर का काम हमारे हाथ में ही होता है, तो उसको मैनेज करना स्टार्ट किया, और बच्चों का, तो बच्चों का भी हमें टाइम पता होता है, तो उसका भी मैनेजमेंट स्टार्ट किया, और उसी मैनेजमेंट में हस्बैंड का टाइम, बच्चे का टाइम, फैमिली का टाइम सब सेटअप करके मैंने ये काम किया, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, मुझे क्या करना था वो मेरा क्लियर था। तो उसी वाई में एक था कि मुझे करना है तो मुझे अपना जो सारा सेटलमेंट है वो खुद मैनेज करना है, तो वो मैनेज करके मैंने काम स्टार्ट किया। लेकिन जिनको करना ही नहीं है ना सर, वो कोई टाइम सेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बहाने ही होते हैं कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन यहाँ से ये पहले तो उसको पता ही नहीं है कि ये क्यों करना है। अगर क्यों करना है ना, क्यों का मतलब है ना, तो उसके पास टाइम होगा ही नहीं। लेकिन मेरे पास क्यों का आंसर था कि मुझे ये क्यों करना है, इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाई। और टाइम मैनेजमेंट करना अपने ही हाथ में होता है, किस टाइम को कितना प्रायोरिटी देना है, किस टाइम पे किस काम को करना है। और ये काम तो ऐसा है कि हमारे टाइम पे हो सकता है, ठीक है, तो ये मैनेज करना बहुत इजी था शेखर सर, इसीलिए मैं यहाँ सक्सेस हो पाई हूँ। सुपर्ब सोनल जी, सुपर्ब। और बिल्कुल है कि एक ही चीज सोनल जी ने बताई
कि हर चीज, कहते ना आपका समय आपके हाथों में है, सबके पास इक्वली 24 घंटे का जो है भगवान ने बांटे हैं। अब इन 24 घंटे का यूटिलाइजेशन आप खुद कैसे करते हैं ना, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जैसे एज अ फीमेल सोनल जी ने बताया कि हमें पता है कि हमें बच्चों को क्या टाइम देना है, हमें पता है हमें घर पे क्या टाइम देना है, तो सारी चीजें बैलेंस हो सकती है। लेकिन बैलेंस होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है कारण, दैट इज व्हाई। तो बहुत बढ़िया सोनल जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया, और बिल्कुल है, लोगों ने सुना होगा और समझ गए होंगे कि ये व्हाई क्लियर करना बड़ा जरूरी है। एक और मेरा क्वेश्चन था इसमें कि बहुत सारी फीमेल्स है, आज मैं देखता हूँ हमारे साथ 95% फीमेल्स हमारे साथ कनेक्ट होके जुड़ी हुई है, और एज अ फीमेल जैसे आपने बताया भी बहुत ज्यादा चैलेंज होता है फीमेल के लिए अपने घर से निकलकर किसी और सेक्टर में काम करना, किसी और सिटी में काम करना। और जैसे मेरे को आपकी टीम का पता है कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी सिटी से निकलकर आप दूसरी सिटी में आपने ट्रैवल किया है, तो स्टार्टिंग में तो वैसे ही चैलेंज था कहीं ना कहीं कि कैसे शुरू करें, बट जब शुरू हुआ और जब सिटी में जाना, क्योंकि आप अगर किसी दूसरी जगह काम करते तो ऐसा नहीं होता कि आप सुबह जाएं और रात को आ जाएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो भी एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आई होगी कि आपको मेंटेन करना था, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये मेरे थ्रू बहुत लोगों का क्वेश्चन है, तो आपने उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे उसको आपने आगे बढ़े उसमें? पहले तो शेखर सर, मैंने शुरुआत में सूरत में ही काम स्टार्ट किया था, जब मुझे परमिशन नहीं थी, क्योंकि परमिशन के लिए मुझे कुछ करके दिखाना था। तो पहले तो मैंने सूरत से ही काम स्टार्ट किया। जब मेरा पहला टूर बहुत नजदीक टाइम में ही हो चुका था, तो पहले तो घर में सबको ये तो पता चल गया कि यहाँ कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है, तो मुझे थोड़ी परमिशन मिली। जैसे कि मैं सूरत में अडाजन में रहती हूँ, तो सूरत के नजदीक गांव है, उसमें मुझे परमिशन मिली। वहां से मैंने सेकेंड टूर अचीव किया, थोड़ी अर्निंग स्टार्ट की, तो मैंने प्रूव करके दिया कि यहाँ कुछ है। तो जैसे ही वो दिख रहा था अकाउंट में जो पैसे आ रहे थे, जो टूर मिल रहे थे, वो मैंने प्रूवन किया। प्रूवन करने के बाद मुझे, अभी तो अश्विन जी मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने आते हैं, रेलवे स्टेशन भी छोड़ने आते हैं, और खुद भी आते हैं, क्योंकि पहले अगर देखो आप 6 मंथ में यहाँ से क्या बात है? नहीं, हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है, आपने वही बात बोल दी जो वनीता जी कहती है ना कि हमें प्रूफ करके दिखाना होगा घर वालों को, तो ही घर वाले हमारा साथ भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और बाद में सब कुछ होगा, बट पहले करके दिखाना होगा। किसी के भी घर वाले, 99% घर वाले जो है सपोर्ट नहीं करते हैं हमारी नारी शक्ति को, ये प्रैक्टिकल बात है, बट जिन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया ना, फिर तो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, सही है सर जी, आपकी बात एकदम राइट है। क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति को कहूंगी, आप अगर काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो हमारा प्लान बहुत बढ़िया है। आपको पता है इतना करने पे इतना पैसा आ रहा है, इतना करने पे इतना, तो क्यों धीरज रखनी है? आप फुल स्पीड से काम करो ना। हमारे पास तो ऐसी शक्ति है कि हम सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप 2-3-6 महीने में कुछ करके दिखाओगे तो आपको सारी परमिशन मिल जाएगी, सारी परमिशन जैसे मुझे मिले हैं। अभी सर तो पहले से ही मुझे जानते हैं, तो अभी मुझे सर सब परमिशन है। मैं 1-1 हफ्ता फील्ड में होती हूँ, मुझे सिर्फ इतना फोन आता है कि आपने खाना खा लिया, आप सो गए, आपका मीटिंग खत्म हो गया, बस वही फोन आता है, और कुछ नहीं। आप कब आ रहे हो, ऐसा तो फोन ही नहीं आता। सुपर, क्या बात है, कमाल कर दी भाई। देखो आज की शेयरिंग तो मैंने कहा ना तूफानी है, कि यही यही बात ही सबको समझनी है। बाद में तो सब हाल खबर पूछते हैं, हमारे बेबी ने खाना खाया, है ना, ऐसी बातें होती है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जी, बहुत बढ़िया सोनल जी, बिल्कुल है, और बिल्कुल। और अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, और शायद ये सबका भी क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि जब हमने शुरू किया, आपने जब शुरू किया टीएंस में, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए 5,000 भी बहुत इम्पोर्टेंट इनकम थी, राइट?
और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोच नहीं थी कि लाख तक जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई ऐसा रास्ता नहीं था। लेकिन जब आपको ये रास्ता मिला, जब लाख रुपए भी आए, तो उसके बाद जब आपने ज्वाइनिंग करानी शुरू करी, क्योंकि मेरे को पता है जब आपने शुरू हुए तो ऐसा तो नहीं था कि आपको गोल्ड मिला सीधा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो आपकी लाइफ में ऐसी कैसे ग्रोथ हुई कि आज आप गोल्ड भी उठाते हैं, और मैंने देखा है आप एक एक दिन में भी दो दो चार चार छह छह गोल्ड भी मारते हैं। तो ऐसे कैसे, मतलब क्या वो सफर रहा और क्या स्ट्रगल रहा, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? सर, जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मैंने तो पहले जिग्नेश भाई को यही पूछा कि इसमें मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ गोल्ड तक हमें करना है, और मुझे करना तो था ही। तो जिनके पास 5,000 नहीं थे उनके पास 50,000 तो नहीं हो गए, लेकिन मुझे पता है, मुझे ये मेरे पे कॉन्फिडेंट था कि मैं अगर डेमो करूंगी तो ये जो 350 पैड आते हैं ना, वो मैं एक ही दिन में निकाल दूंगी। मैंने कहीं से भी, पहले तो मैंने अपना कमिटमेंट किया, पहले मैंने अपनी गोल्ड से एंट्री लगाई और मैंने खुद पे अप्लाई किया कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो बहुत सारी लेडीज को मैं ये करवा भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कोई नहीं था लेकिन उनके साथ तो मैं हूं। तो मैंने सबका कमिटमेंट लेना चालू किया कि आप डालो, मैं बैठी हूं, ठीक है। तो मेरे भरोसे पे आज सर लोग गोल्ड भी करते हैं, प्लेटिनम भी करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जैसे बातों बातों में ब्रॉन्ज भी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सिलसिला। तो शुरुआत में पहले तो हम जब सीख रहे थे ना, तब इतना बढ़िया नहीं हो रहा था, लेकिन अपने खुद पे जैसे पैड सेल हुआ, कुछ पैसे आए, एक टूर हो गया, फिर इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो इस दुनिया के सारे लोग, यानी खास करके फीमेल, वो कर सकती है। सुपर्ब सोनल जी, और एक सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ वर्ड्स में और नंबर में बताने हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सोनल जी आप इस काम को इतने टाइम से कर रहे हैं, तो अभी तक एज अ गोल्ड लॉयन आपने कितने सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए? वैसे तो मुझे याद नहीं है मैंने कितने किए। कोई दिन तो ऐसा था सर कि मैंने पूरे दिन में 6-7-8 डेमो किए हैं। अभी याद तो है नहीं मैंने कितने किए होंगे, क्योंकि उसका तो कोई काउंटिंग नहीं किया। अभी भी सर मैं डेमो तो करती हूँ, क्योंकि डेमो करके ही मैं प्लान दिखाती हूँ, तो डेली का अभी भी 1-2-3 डेमो तो होते ही है। तो जब मैं फील्ड में जाती थी ना सर, मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी है, जैसे कि ब्रेसलेट पहना है ना तो कैपेसिटी वैसे ही बढ़ जाती है। तो तो 8-9 डेमो तो मैं डेली के करती थी। और मैं अभी तो सबको यही बोलती हूँ, आप ज्यादा न करो तो कुछ नहीं, दिन के 2 डेमो तो करो। 2 डेमो करने से भी आपको अगर 15-20 हज़ार की जरूरत है ना, तो आप डेमो करके भी कमा सकते हो। शुरुआत के स्टेज में अगर आप 20,000 कमा सकते हो तो आप 40,000 भी कमा सकते हो, और अगर आप 40,000 कमा सकते हो तो आप 4,00,000 भी कमा सकते हो। जब मैंने 5,000 एक हफ्ते में यहाँ से कमाए थे ना शिखर सब, तब मुझे ऐसा हो गया कि 5,000 जो मैं एक हफ्ते में कमा सकती हूँ ना, तो अभी मुझे ही देखना है मेरा वैल्यू कितना है। पहले में सर, पहले ही 15 दिन में मुझे कंपनी से, 15 दिन का मेरा पे आउट था 18,500 रुपए, पहले 15 दिन का कंपनी का पे आउट। सेकंड मंथ मेरा था 38,000, थर्ड मंथ था मेरा 48,000, और एक फॉरेन का टूर था बाली इंडोनेशिया। तो मैंने वैसे तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं इस कंपनी से, और अभी सबका रिकॉर्ड हम ब्रेक करेंगे। मुझे यहाँ से स्टार गोल्ड लाइन बनना है और डायरेक्टर बनना है। सुपर्ब, सुपर्ब सोनल जी, सुपर्ब। शेखर जी, ऐसा ये पार्ट वन था सोनल पटेल पार्ट वन, तो अब पार्ट टू में भी हम बहुत सारी बातें पूछने वाले हैं। बहुत जल्दी पार्ट टू के लिए फिर सोनल जी आने वाली हैं। तो लास्ट में सोनल जी को हम यही कहेंगे कि आज का ये प्रोग्राम ना जाने कितने लोगों की आपने कहते ना कि अरमान जगा दिए, क्योंकि आपने पहले महीने में भी आए तो 5,000 रुपये के लिए थे, लेकिन जो आपने बैटिंग शुरू की ना,
तो मैं बोलता हूँ सेंचुरी लगा के गए, बनाने तो 5 रन थे, बना 100 रन दिए और टूर भी कर लिया। और पहले टूर में आपके जो बैटर हाफ हैं वो मेरे साथ थे, अश्विन जी, तो हमने बहुत एंजॉय किया इंडोनेशिया में। और बहुत खुशी होती है कि आज आपके परिवार में जबरदस्त माहौल है, माहिर खुश है। पता है अपनी मम्मी जो है ना, अब जो है गॉड मदर जो है बहुत कुछ करने वाली है, बड़े बड़े सपने पूरे होने वाले हैं। तो यही होता है और सभी के लिए है कि हम अपने लिए भी जो जिंदगी शायद कल्पना नहीं की थी वो जीनी है, जी रहे हैं, और अपने बच्चों को और शानदार जिंदगी बनानी है। क्या बात है, आज का बहुत ही जबरदस्त ये सेशन सोनल जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना ज्यादा टाइम निकाला अपने लिए और इस प्रोग्राम में हमारे लीडर्स के लिए बहुत सारी बातें आपने बताई अपने दिल की। फिर हम बहुत जल्दी आपको बुलाएंगे, तो आज आप अपने फाइनल वर्ड्स के साथ अगर जो भी शब्द आपको कहने हैं लास्ट में कहकर आप यहां से इजाजत लेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी पूरी टीम, अभी हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, पालनपुर में एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं हम लोग, तो पालनपुर की टीम, गुजरात की टीम तैयार हो जाए। हम 200 से 300 लोगों का प्रोग्राम करने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मतलब लेस देन 1 मंथ। जी सोनल जी, आप फाइनल वर्ड्स के साथ बोले बोले जो भी बोलना चाहती हैं। सर, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं उस मीटिंग के लिए, बहुत जल्द आपको इनवाइट करेंगे। मैं अपने फाइनल वर्ड्स बोलूंगी, सबको मैं थैंक यू करती हूँ, और मेरे फाइनल वर्ड, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून, एवरीवन। सुपर सुपर, बेस्ट ऑफ विशेस सोनल जी, ऐसे ही आप ग्रो करें और फटाफट आप इंडिया में वन ऑफ द सा गोल्ड लॉयन एज अ वुमेन और साथ ही साथ डायरेक्टर आप जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जबरदस्त 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 सोनल जी, आज का सेशन आप सभी ने देखा, सोनल जी ने अपना पार्ट वन, ये पार्ट वन था जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें आपको बताई, क्या क्या चीजें होती हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें अब आप सीखने वाले हो इस पैनल के थ्रू कि सबके साथ चैलेंज सेम होता है, सिर्फ हैंडलिंग तरीके से होती है। जैसे होता है ना, चाय बनाते हैं ना, बनती तो चाय है लेकिन किसी का तरीका अलग होता है, कोई पत्ती पहले डालता है, कोई चीनी पहले डालता है, तो चाय तो बन